स्पेलिंग फाइबर, ठीक है, एफ आई बी ई आर और एफ आई बी आर ई, फाइबर टू यार्न। वी आर हैविंग मिक्सिंग फ्लोरूम कार्डिंग ड्रॉ फ्रेम, पैसेजेस ऑफ ड्रॉ फ्रेम लिखना उसमें एक सेंटेंस में, ड्रॉ फ्रेम ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम फिनिशर। देन देर इज एन ऑप्शनल प्रोसेस स्लाइवर लैब, देखो वर्ड इज स्लाइवर एंड लैब, स्लाइवर यू हैव हर्ड इट इज, क्या है ये वर्ड स्लाइवर बोलो स्लाइवर, एंड लैब यू हैव हर्ड ब्लोरूम से क्या आउटपुट आ रहा था लैब, तो कन्वर्जन ऑफ स्लाइवर टू लैब, स्लाइवर होपलाइक स्ट्रक्चर टू लैब और शीट फॉर्म, कन्वर्जन फ्रॉम रोप टू शीट फॉर्म, क्लियर है, स्लाइवर लैब। देन रिबन लैब, दिस लैब इज रिबन फॉर्म शीट फॉर्म एंड देन दी शीट्स आर टेकन अगेन इट इज कन्वर्टेड टू अ लैब, वन एट लैब्स और सिक्स लैब्स आर टेकन कन्वर्टेड टू वन लैब, सो डबलिंग ऑफ, देखो डबलिंग ऑफ एट स्लाइवर गिविंग लैब, इसमें ड्राफ्टिंग नहीं होगी, क्या है इट इज जस्ट डबलिंग, इकट्ठे कर दिए ये क्या बन गया शीट्स, नाउ टेकिंग फोर और सिक्स रिबन शीट्स एंड ड्राफ्टिंग देम दैट नंबर ऑफ टाइम, छह शीट है तो छह टाइम ड्राफ्ट कर लिया, चार शीट है तो चार टाइम, तो रिबन और लैब टू लैब, लैब इज अ रिबन तो रिबन लैब टू लैब ड्राफ्टिंग इज डन, व्हाई ड्राफ्टिंग इज डन, यहां से आया स्ट्रेटनिंग ऑफ फाइबर इज रिक्वायर्ड, देन गोज टू इट गोज टू बॉम्बर, दिस इज द मेन मशीन, दिस इज मेन मशीन फॉर फाइन क्वालिटी। नाउ अनदर ऑप्शन इज यू गो फ्रॉम कार्डिंग टू स्लाइवर लैब रिबन लैब कॉम्बर देन टू ड्रॉ फ्रेम ब्रेकर एंड देन फिनिशर, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन इज ड्रॉ फ्रेम ब्रेकर स्लाइवर लैब रिबन लैब कॉम्बर ड्रॉ फ्रेम ब्रेकर फिनिशर, इट डिपेंड्स, सारे अपना अपना डिजाइन तो बनाते हैं ना हर एक गाड़ी में, तो ऐसे डिजाइन तो बनाएंगे, लाइक इन कार्डिंग लिखने में एक लिक्रीन वॉज देयर, नाउ वी आर हैविंग टू लिक्रीन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ कार्डिंग यार, दैट इज डिपेंड्स ऑन द मिल टू मिल वेरिएशन, बट नॉर्मली वी आर टेकिंग ब्रेकर देन फिनिशर, ठीक है, और वी कैन टेक कार्डिंग स्लाइवर लैब रिबन लैब देन अगेन बॉम्बर एंड रॉफ्रेम, नाउ वट इज स्लाइवर लैब इन शॉर्ट, वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यू कैन से 4 + 4, 8, दीज आर कैंस टॉप व्यू लाइक इन ड्रॉ फ्रेम, दिस इज सेम एज कैसा ड्रॉ फ्रेम, बैक साइड इज सेम एज ड्रॉ फ्रेम, बट फ्रंट साइड इसमें क्या हुआ ड्रॉ फ्रेम में क्या हुआ इस एरिया में डबलिंग, डबलिंग इज देयर ओके, शीट इज फॉर्म्ड एंड इट इज कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ लैब और स्पूल, दिस स्पूल इज ऑफ दिस साइज कितना होगा एक फिट देख लेंगे वहां नाम लेंगे, स्पूल इज देयर ठीक है, मे बी 10 inches विड्थ टू 1 feet, दिस इज इंचेस दिस इज फिट, सिंगल एंड फिट है और वो है और एंड दिस इज द साइज, दिस इज द डायमीटर ऑफ स्पून, दिस इज द विड्थ ठीक है, इसके ऊपर बनेगा कितना बन जाएगा, हो गया वन स्पूल इज रेडी क्लियर, अनदर इज रेडी थर्ड इज रेडी, नाउ दिस इज वी कॉल एज स्लाइवर लैब ऑन विच ओनली डबलिंग इज डन, हो गया डबलिंग इज कन्वर्जन ऑफ दीज रोप लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ स्लाइवर टू कार्डेड स्लाइवर और ड्रॉ फ्रेम ब्रेकर टू
lab form or ribbon form. Now देखो ये these are the ones, यही है स्लाइवर ऐसा होगा ना, बीच में स्पेस होगा ये. अब इसे ग्रिप करोगे यहां से, ये बीच वाले निकल जाएंगे ना पूरे. ग्रिप कहा होगा, ग्रिप विल बी एट द टॉप मोस्ट पोर्शन हाइएस्ट, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ पे ग्रिप विल बी देयर, बाकी तो निकलाएगा बाहर. दिस इज एन इवन, क्लियर है. सो टू मेक इट इवन, वन शीट, अनदर शीट, थर्ड शीट, फोर्थ शीट, यू कैन हैव फोर, सिक्स और एट एज पर रिक्वायरमेंट. थ्री शीट, फोर, सिक्स, देन सो वी विल बी हैविंग दिस स्कूल इज देयर, अनदर स्कूल इज देयर, अनदर स्कूल इज देयर, अनदर स्कूल इज देयर, दे आर कमिंग इन वेब फॉर्म वन अबाउट द अदर. नीचे आ गया ये, इसके ऊपर आ गया, देन दिस विल बी अबाउ इट, दिस विल बी अबाउ इट, कितनी आ गई, फोर लेयर्स या सिक्स लेयर्स या थ्री लेयर्स. सो अनइवननेस इज रिमूव, स्लाइवर में भी यही कर रहे हैं, अनइवननेस इज रिमूव, बट नाउ इट इज फोर और थ्री और सिक्स टाइम्स थिकर शीट. नाउ दिस इज टेकन फर्दर. Now this was the draw frame back side. This is the drafting zone. Like in case of कहां पे draw frame, किसमें था, draw frame में. Draw frame it was just a sliver sheet ही बन जाएगी इसमें. Eight slivers were there. शीट ही बन गई, रोलर बनते हैं, ये शीट है, सॉरी इधर आएगा नहीं शीट में. दिस रोलर इज देयर, दिस इज अनदर रोलर, दिस इज रबर, दिस इज मेटेलिक. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बढ़ा लो इसको, कितना करो का हो गया क्लियर. Now these are moving. This is width say. ठीक है, so same way ये this is in case of draw frame. Now in this case is rollers are there, one sheet is there. Second sheet is there. थर्ड शीट इज देयर, फोर्थ शीट नीचे रह गई ना, ठीक है, फोर शीट हैव कम. नाउ दे आर ड्राफ्टेड, दिस इज बैक रोलर, ठीक है, एज ए मिडल एंड फ्रंट रोलर इज देयर, बैक रोलर, मिडल रोलर, फ्रंट रोलर. पहले क्या आएगा, कौन सा ड्राफ्ट आएगा इस जोन में, क्या नाम है उसका, ब्रेक ड्राफ्ट, ठीक है, एंड देन मेन ड्राफ्ट. इफ इट इज फोर देन फोर टाइम्स, इफ इट इज सिक्स सिक्स टाइम्स. तो फ्रंट ऑफ द रिबन लेयर इज सेम एज ड्रॉ फ्रेम एंड बैक ऑफ द स्लाइवर लेयर इज सेम एज ड्रॉ फ्रेम. इन बिटवीन लैप इज कमिंग, ये बात समझ आ गई. दिस एंड दिस स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज सेम. इन बिटवीन दिस प्रोसेस इज व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स्ट्रा लैप इज देयर, टॉप फ्रेम में लैप इज नॉट देयर, तो दिस इज सेपरेट. नाउ दिस इज लाइक अ कॉम्बो मशीन. अभी देखिए क्या बन गया, थ्री रोलर्स आर देयर, क्लियर, दिस इज ड्राफ्टिंग जोन. Now this is doubling. Clear? Doubling yogi, it may be of sliver, it may be of these labs or ribbons. Doubling here, more than two are here, doubling here. Clear? The word we use is doubling and then drafting.
then sheet is withdrawn, then again spool is made. Spool or lap is fed and lap is made on spool. Comber if we use spool. Drop frame में क्या चीज चाहिए हमें? Sliver. तो we will be feeding with lap on spool and we will be getting lap sliver. ये clear हो गया? This is optional process. Clear, now we will be coming to comber. Now what is there? This has been combined. So यहाँ मशीन है, these two machines have been combined. क्या किया? एक ड्रॉग्रेन से सिंगल मशीन बनाते हैं. स्कूल की देर इज नो नीड इन स्लाइवर लैब एंड रिबन लैब हैज बीन हैड बीन हमारे पास एक 15-20 साल पुरानी मशीन है उस टाइम ही रिमूव हो गया था टू लैब फॉर्मर फॉर्मेशन ऑफ लैब फ्रॉम स्लाइवर फ्रॉम स्लाइवर वी आर मेकिंग अ लैब ऑन स्कूल एंड दैट इज फिट डायरेक्टली टू कॉमर्स क्या होगा एट वन टू बड़ा कर लेते हैं कैन जैसे क्यों लगे सिलाई वन साइज कैन है तो कैन के साइज की बना रहे ऐसे बनाते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट इससे चलो बाद में बैठ से ड्रॉ कर लो उसमें बनी नहीं है क्या नाम है व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन ये क्या डिजाइन था अपना ये तो यहां आएगी इसमें से यहां आएगा ठीक है इस कैन में से दीज आर इसके नेक्स्ट आएगा इसके नेक्स्ट नेक्स्ट समझिए एक चीज ठीक है नीचे भी हुआ इसका एक्चुअल में स्लाइवर्स नहीं है दे आर इन स्लाइवर फॉर्म टर्न हो गया 90 डिग्री पे वहां दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट इसको यहां से लो थोड़ा सा ऐसे यहां पे करो हो गया दिस इज अनदर सेट देन इट इज टर्निंग डाउन एक्चुअल में ये क्यों आ रही है ये शीट इसके ऊपर आ रही है दिस इज टर्निंग नेक्स्ट इसके ऊपर फोर शीट्स हो गई स्टेनलेस स्टील की फर्स्ट सेकंड एंड दे विल बी कंबाइन ये कंबाइन हो गई ठीक है नाउ दे आर कमिंग ये इस शीट पे आ गया ये सेपरेटली आ रही है मैं इसको बना लू फटाफट इसीलिए ठीक है बाकी तो देख लेना ये यहां से पास हो गए गाइड में से क्या है यहां पर गाइड है हर एक स्लाइवर का एक गाइड है
ये डाउन है और ये ऐसे ही ये वाली शीट इसके अप है. नाउ थ्रू रोलर व्हेन दे पास इट बिकम वन शीट. हो गया, ये भी एक शीट हो गई. नाउ देयर आर टू, ये पीछे से आ रही है, ये यहीं से है. नाउ व्हेन दे गो टुगेदर, अब ये इकट्ठी आ गई. अब ये डाउन है, हो सकता है ये आपको ये डाउन हो, बट इट मतलब टू अंडरस्टैंड इट इज देयर आर टू पैरेलल कमिंग, वन टू इकट्ठे हो गए, वन टू इकट्ठे हो गए. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज एट वन लैप, अनदर लैप वॉज मेड, अनदर वॉज मेड, अनदर. इसको स्कूल पे भी डिड नॉट कलेक्ट, स्कूल पे नहीं बांधा. सेकेंड स्टेप क्या था, वन अबाउट दी अदर, चारों एक के ऊपर एक एंड देन ड्राफ्टिंग. ये आ गई एक के ऊपर एक, अप डाउन. नाउ दिस इज योर ड्राफ्टिंग जोन. क्या आ गया, बैक रोलर, मिडल रोलर, फ्रंट रोलर. क्या आ गया, ये ड्राफ्टिंग जोन. एंड यहां पर स्कूल इज मेड, सो दिस इज सिंगल मशीन. हो गया क्लियर, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इसमें डबलिंग, ड्राफ्टिंग, मेकिंग ऑफ स्कूल और लैब फ्रॉम स्लाइड. हो गए तीन, यही है, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा. क्लियर हो गया. नाउ कमिंग टू कॉम्बर, ये ऐसे ऐसे ऊपर, व्हाट इज फॉर कॉम्बर. वी नो दैट बेसिकली वी नो दैट इन एनी 100 or 106 फाइबर्स, ठीक है. इन सिंथेटिक वी कैन डिसाइड द डायमीटर ऑफ फाइबर, पतला भी बना लो मोटा भी बना लो, उसमें तो जैसा स्पिन रेट लगे पतला मोटा आ जाएगा. बट इन केस ऑफ कॉटन वी कैन नॉट डिफाइन, इट इज नेचुरल फाइबर. एंड इट इज क्लियर, लॉन्गर द फाइबर फाइनर इट इज, इतना लंबा उतना पतला है. कॉम्बर बोल रही है, लॉन्गर द फाइबर फाइनर इट इज. सो इफ वी वॉन्ट टू मेक अ फाइनर यार्न, हमें शर्ट का बनाना है और उससे पतला बनाना है, तो क्या चाहिए हमें, फाइनर फाइबर इज रिक्वायर्ड. ज्यादा पतला करोगे तो पतला ही फाइबर लगेगा ना, पतला फाइबर क्या है, लंबा है, इट इज लेंथी है, लंबा है ना, लंबा लंबा हो गया तो छोटे वाले फाइबर निकाल दोगे. तो कॉम्बर, द पर्पज ऑफ कॉम्बर इज बेसिक टू एलिमिनेट क्या, शॉर्ट फाइबर. दिस इज मेन पर्पज. एंड कितने निकालते हैं, हमने अभी तक कितना वेस्ट निकाला है ब्लू रूम पार्टी में, ब्लू रूम में 5% एज्यूम कर रहे हैं, आरडी में 4-5%, टोटल कितना आया इतनी मशीन में, 9-10% इस एज के अंदर ही हम निकाल लेते हैं. और वो भी फाइबर नॉट वेस्ट, उसमें तो वेस्ट था, उसमें कितना निकालते फाइबर निकालते, इतने परसेंट फाइबर. ये क्लियर हुआ. सो इफ इट इज 100 रुपीज और 200 रुपीज के जी, तो कितने का हो जाएगा, ये 40-250 से चला जाएगा रेट, इतने परसेंट भी तो निकल गया. नाउ दिस इज शॉर्ट, दिस इज कोर्स, शॉर्ट फाइबर इज कोर्स, मोटा. ये कहां जाएगा, मोटे यार आगे बनाने, कौन से, कंबल ब्लैंकेट में. ये हो गया, कर्टेन्स में सोफा कवर जो मोटे हैं उसमें चला जाएगा. ये बात क्लियर हो गई. पानीपत में मैक्सिमम रग्स वगैरह बनते हैं, वो इस शॉर्ट फाइबर को यूज करेगा. क्लियर हो गई, तो आपको लिख लेना जरूरी है. तो कॉम्बर इज टू एलिमिनेट शॉर्ट फाइबर. हाउ विल यू एलिमिनेट शॉर्ट फाइबर, यहां से पकड़ो, यहां से कॉम करो, निकल गए. लेकिन जो यहां पकड़ में आ गए, दो इंच चार हेल्ड ओवर हेयर तो नहीं निकले. देन यू होल्ड फ्रॉम दी फ्रंट साइड, देन यू अगेन कॉम. हो गया, तो अब पीछे वाले निकलेंगे. द लेंथ विच वी वॉन्ट, जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ की ये सेटिंग होगी. हो गया क्लियर. नाउ दिस इज कॉम्बर, एक दो
तीन चार, लेट अस से फोर मोर हेड्स आर देयर, कितने हैं? ये क्या गया? स्कूल। इसको वर्ड को क्या बोलते हैं? ट्री। जहां पर भी रॉ मेटीरियल वेयर बी इज कॉल्ड एज ट्री। ये वर्ड याद कर लो, लिख लो इसको। ट्री इज वी कॉल ट्री वेयर वी कीप द रॉ मेटीरियल। ये क्लियर हो गया? अभी नहीं, पांच दस मिनट बाद। ट्री इज यूज्ड टू फिट और कीप द रॉ मेटीरियल। ठीक है? इट मे बी ऑफ कॉम्बर, इट मे बी ऑफ रॉ फ्रेम, इट मे बी ऑफ स्पीड फ्रेम, इट मे बी ऑफ रिंग फ्रेम, इट मे बी ऑफ अ निटिंग मशीन। सब में वर्ड क्या आएगा? ग्रीन। ये वर्ड लिख लो साइड में, ग्रीन। गाइड, गाइड। कहीं भी जो आपके यहां से यहां तक आ रहा है, मान लो इवन इफ इट इज यार ज्यादा है, चाहे रोबिंग है, चाहे स्लाइवर है, इतना एकदम से हिलेगा, यू नीड गाइड, कोई सपोर्ट चाहिए प्लस मोड़ने के लिए। इफ यू आर टर्निंग इट यू नीड अ गाइड। क्लियर? गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रील इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया फोर प्लस फोर। कॉम्बर मशीन इज देयर, लैप फॉर्मर एंड कॉम्बर इज देयर। हो गया इकट्ठे, वन अबाउट दी अदर। यहां से निकलकर यहां इकट्ठे होने से पहले यहां है कॉम्बिंग ड्रोन। ऊपर लगेगा टॉप कॉम, बॉटम कॉम, वन कॉम, अनदर कॉम। ठीक है? और ये कॉम्बर का जैसे जो क्लीन करेगा, ठीक है? निपर, क्या क्या आएंगे यहां से? निपर, निपर विल होल्ड, निपर टू होल्ड। ठीक है? टॉप कॉम, बॉटम कॉम, टू क्लीन। क्लियर हो गया? नीचे रोलर लगा हुआ है, रोलर क्लीन करेगा। कैसे क्लीन होगा? पहले यहां से क्रिप बनेगी, थोड़ा क्लीन करेगा, ऐसे नहीं पूरा कर देगा, फिर पीछे क्रिप बनेगी, फिर वो क्लीन करेगा। दूसरा पोर्शन एक बैक चलेगा, एक फ्रंट में चलेगा। चल पीछे वो स्लाइवर को पकड़ेगा, स्लाइवर से इसको अटैच करेगा, ये तो डिटैच हो जाएगा ना एक तरह से। क्लियर हुई? फिर ये अटैच करेगा। ये अपने आप में थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, कुछ याद नहीं करना। स्पूल्स आर केप्ट फोर हेड और सिक्स हेड, दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन, दिस इज कॉम्बिंग एरिया, निपर इज देयर, टॉप कॉम, बॉटम कॉम इज देयर, कॉम्बिंग इज देयर। ये चारों आ गए, इकट्ठे हो गए, 16 से 18% 20% कम हो गया। 0.1% भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर 1,00,000 किलो है तो 1% मीन्स 1,000 के जी चेंज कर दिया। कितने रुपीज हो गए? 1% मीन 2,00,000, सीधा इधर उधर इतना ही कमाई आना, 2-4 लाख की कमाई आनी है। ठीक है? क्लियर हो गया? 16% मीन कितना हो गया? 1,00,000 के जी में 32,00,000 रुपए का माल निकल गया। अब ये दिस मटेरियल इज टू बी सोल्ड, अब ये सस्ता बिकेगा वहां, फिर एड होएगा, फिर ये चलेगा। ठीक है? ये अलग हो गया। क्लियर होगी ये बात? तो कॉम्बर मशीन भी विल शो कि यहां से आएगा, देन इट इज देयर। क्या आ गया यहां? यहां क्या आएगी फिर? लैप इज कमिंग, कितना है? 4 लैप्स थे। ये यहां क्या आएगा?
फोर तो ये हो गए और सिक्स वो हो गए, कितना हो गया स्लाइवर 24 टाइम्स आ गए या वहां एट थे, मान लो एट थे ना, एट इंटू फोर कितने हो गए 32 से 32 में से अब निकल गए लेट अस से 15%, कितना रह गया 85%, कितने रह गए, इतने टाइम ड्राफ्ट भी करोगे ना, ये मान लो तीन स्कूल है चार की जगह, तो ये 24 हो जाएगा, इतने का यहाँ पे ड्राफ्ट है। ठीक है, ड्राफ्ट तुम्हें समझना नहीं कितना देंगे, सपोज कर लो लेट अस से 15 आ जाएंगे, ज्यादा नहीं इतना भी दे दिए डोंट हैव टू मी, तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें मशीन पता होनी चाहिए, ये पता लग गई। फिर क्या है, इट इज टू बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ स्लाइवर, क्या आ गया ट्रम्पेट से पास होगी सिग्मा से, फिर ये ऊपर जाएगा, दो बार ट्रम्पेट लगती है, एक बार कैन एंड कॉयलर में डालने के लिए, एक बार यहां से मेटीरियल जहां निकलेगा वहां ट्रम्पेट ऊपर जाएगा, अगर इट डायरेक्टली यही बन जाएगी तो ठीक है, नाउ गाइड इज रिक्वायर्ड, यहां से ऊपर जाएगा तो यहां गाइड है रोलर क्योंकि ऊपर से जाएगा, क्लियर। तो कॉम्बर है स्पून 3 और 4 या 6 एड होगा तो 3+3 तीन का एक बन रहा है, तीन का एक, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज 2 है अपने आप, ये आ गया यहां से ये बन गया। दिस इज एन ऑप्शनल प्रोसेस, व्हेन वी नीड हाई क्वालिटी ऑफ कॉटन और फाइनर क्वालिटी ऑफ कॉटन, ठीक है आजकल यही चल रहा है, फाइनल क्वालिटी लेते हैं उसे डबल कर देते हैं, मोटा बनाना तो डबल है, वो अच्छी क्वालिटी होती है उसमें स्ट्रेंथ शाइननेस लश्चर यूनिफॉर्मिटी सारी चीजें उसमें ज्यादा, दे आर मच बेटर बट दे आर ऑल्सो कॉस्टलियर, उसमें